कंटेंट देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको इसमें कवर करने हैं। फर्स्ट आपका व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, जो कि आपको बोर्ड दिख रहा है। सेकंड आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, एंड लास्ट टॉपिक आपका इसमें आता है पेंसिलिटी एंड कॉर्टन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट, हमारे सॉल्ट में जितने भी चेंजेस होते हैं उनको हम ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट, फिजिकल चेंजेस कौन से होते हैं? फिजिकल चेंजेस दो चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस आर चेंज, व्हाइल केमिकल चेंजेस बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस आर चेंजेस। सेकेंड पॉइंट, फिजिकल चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, व्हाइल इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। थर्ड, फिजिकल चेंजेस आर टेंपरेरी एंड रिवर्सिबल, व्हाइल केमिकल चेंजेस दीज आर परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं फिजिकल चेंजेस। एग्जांपल्स, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, जो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास मतलब आपका जब ब्रेक करते हैं किसी ग्लास को तो वापस उसको मेल्ट करके वापस ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए आपका क्या होगा फिजिकल चेंज, मीन्स ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई है, लार्जर पीस से स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन आप प्रिपेयर करते हो तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको वापस हम सेपरेट कर सकते हैं, ये मैंने एक क्लास में पढ़ा हुआ है। एंड इसी का एक एग्जाम्पल आपका एवापोरेशन, फिजिकल चेंज, जब हम किसी भी लिक्विड को इवेपोरेट कराते हैं तो वापस उसको कंडेंस करके क्या कर सकते हैं उसको फर्दर इनिशियल स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेल केमिकल चेंजेस, एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मिल्क से आप कर्ड में कन्वर्ट करते हो। डाइजेशन ऑफ फूड इरिवर्सिबल, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जो था आपका ऑल्सो इरिवर्सिबल, ग्रोथ ऑफ ट्रीज या ग्रोथ जो है किसी भी चीज का ग्रोथ बोलते हैं तो वो भी क्या होता है आपका इरिवर्सिबल, कटिंग ऑफ ट्रीज ऑल्सो इरिवर्सिबल। नेक्स्ट नंबर है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को। केमिकल रिएक्शन, व्हेन अ सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू अनदर न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन, व्हाइल केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो हम सिंबल की रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। सच एज व्हेन ए केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ सिंबल्स फॉर्मूलास एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन्वॉल्व। ओके, तो यहां से दो टर्म्स आपके पास में आ रही है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। डिफाइन करते हैं रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स जो कि आप जनरली रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले लिखते हैं, मीन्स दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं रिएक्टेंट, एंड दीज आर ऑलवेज रिटन ऑन एनएचएस साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, दो सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, जब आपके केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में जो आपका ऑप्टेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट, और इसको ऑलवेज क्या लिखेंगे आरएचएस साइड। ओके, समझा, तो बेसिकली ऐसे दो डेफिनेशन आपके इंपॉर्टेंट है रिएक्टेंट्स। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट चेंजेस अकर्स इन केमिकल रिएक्शन, आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल चेंज हो रहा है या केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो आंसर आप फर्स्ट, चेंज इन फिजिकल स्टेट, अगर कहीं पे भी फिजिकल चेंज होता है तो आप उसको क्या बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, केमिकल चेंज हो रहा है। सेकेंड, चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज होता है प्रेशर चेंज होता है तो आप उसको बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज हो रहा है। थर्ड, चेंज इन कलर, रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के कलर चेंज होते हैं तो भी आप उसको केमिकल चेंज
नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसको आप एफरवेसेंस बोल सकते हैं, मीन्स यहाँ पे बबल्स फॉर्मेशन हो रहा हो, गैस का इवोल्यूशन हो रहा हो, तो आप उसको आप क्या बोल सकते हैं, केमिकल चेंज। एंड लास्ट फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, पीपीटी। पीपीटी क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन वाटर। ओके, तो अगर कहीं पे भी पीपीटी ऑब्टेन होता है तो उसको भी आप क्या बोल सकते हैं, केमिकल चेंज। वापस हम डिस्कस करते हैं, चेंज इन फिजिकल स्टेट्स चेंज हो, चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो अगर ये कहीं पे भी चेंजेस होते हैं तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, केमिकल। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप्स ऑफ पैकिंग केमिकल इक्वेशन। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन। इक्वेशंस को हम कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, फर्स्ट आप लिखेंगे सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज। सबसे फर्स्ट रिएक्शन कहां से स्टार्ट होती है, रिएक्टेंट्स, तो हम सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट्स, और कहां लिखेंगे इनको, ऑन द एलएचएस साइड। सेकेंड स्टेप सेम सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट ऑन आरएचएस साइड। नेक्स्ट थर्ड स्टेप अगर आपके पास में व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट्स है तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन यूज में लेंगे दोनों रिएक्टेंट के बीच में। सेम अगर प्रोडक्ट्स के आपके पास में टू और मोर है तो उनके बीच में भी आप क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट स्टेप हमारी थर्ड स्टेप, पुट एरो साइन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में आप पॉजिटिव साइन यूज में लेंगे। थर्ड स्टेप कंप्लीट होने के बाद में फोर्थ स्टेप, आप जब भी रिएक्शंस लिखते हैं तो उनमें कुछ कंडीशंस होती हैं, तो वो कंडीशंस कहाँ आएंगी, अप एंड बिलो एंड अबाउ द एरो, सच एज टेम्परेचर है, प्रेशर है आपका, कैटलिस्ट है। टेम्परेचर प्रेशर हमें सबको पता है, बट कैटलिस्ट क्या होता है, वो कैटलिस्ट दो सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। जो कैटलिस्ट क्या करते हैं, अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट जब एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, सबसे फर्स्ट मैग्नीशियम, हमने दो रिएक्टेंट्स कौन से लिए, मैग्नीशियम एंड HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, दोनों के बीच में हमने पॉजिटिव साइन यूज में लिया, ठीक है। सेम इनको क्या बोलेगा, रिएक्टेंट्स, बिकॉज ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। एंड देन आफ्टर रिएक्शन क्या बनेगा आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, एंड इनको आप क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स, बिकॉज ये रिएक्शन होने के बाद में बन रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप आप उसको बोल सकते हो, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आप लिख लेते हैं, उसके बाद में आप यहाँ पे इनकी फिजिकल स्टेट्स आप शो करेंगे, जो भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं। तो रिएक्टेंट जैसे एग्जाम्पल आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आपको पता है कि मेटल है, तो आप उसको क्या लिखेंगे, सॉलिड, एस से डिनोट करेंगे, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, तो आप उसको क्या लिखेंगे, जी से डिनोट करेंगे, गैस स्टेट। नेक्स्ट आफ्टर रिएक्शन आपका मैग्नीशियम क्लोराइड ऑप्टेन बन रहा है, मीन्स मैग्नीशियम क्लोराइड है तो आपका क्या होगा, ये सॉल्ट होगा, तो जनरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, एस से डिनोट करेंगे, एंड हाइड्रोजन गैस सभी को हमको पता है क्या होती है, गैस होती है, तो आप जी से डिनोट करेंगे इसको। नेक्स्ट इतना लिखने के बाद में उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप है, या हम बोल सकते हैं कि आप इसमें जो गैसेस प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप अपसाइड अप एरो जो होगा वो आपका, वो भी आपको कुछ रिएक्शन से लिखा हुआ मिल सकता है, अप एरो। तो अब पहले जो होता है किसके लिए लिखते हैं हम, गैसेस प्रोडक्ट के लिए, और अगर आपका डाउन एरो कहीं पे रिएक्शंस में यूज हो रहा है ऑन द प्रोडक्ट साइड, ओके, तो वो जो प्रोडक्ट साइड में अगर आपका डाउन एरो आता है तो किसको डिनोट करेगा आपका, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस या पीपीटी ऑप्टेन जहां पे हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन। तो अप एरो एंड डाउन एरो, ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, सबसे फर्स्ट आप रिएक्टेंट्स लिखेंगे,
देन सेकंड स्टेप प्रोडक्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में आपका एरो किस पे होता है, जो जनरली यूनिट डायरेक्शनल होता है। कुछ रिएक्शंस में हम बाई डायरेक्शनल एरो यूज कर लेते हैं, बट वो फ्यू रिएक्शंस है, मोस्टली हम यूनिट डायरेक्शनल एरो यूज करते हैं। उसके बाद में जो एरो आपका होता है उसके ऊपर हम कंडीशंस लिख सकते हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट है एक्सेट्रा। एंड एग्जाम्पल जैसे आपके पास है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। एंड इम्पोर्टेंट कि अगर आपके पास है गैसेस प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर हम एप एरो, बिकॉज वो आपकी गैस के पंप होगी, और डाउन एरो जिसके लिए हम पीपीटी के लिए। ओके,